गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों आज हम मैथ्स पढ़ेंगे और आज हम मैथ्स में मनी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों बच्चों ये आपकी मैथ्स की बुक के पेज नंबर 60 पर है। बच्चों यहाँ पे देखो 1 रुपीज़। बच्चों 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। ठीक है 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। ठीक है जैसे यहाँ पे देखो कॉइन्स ये है 50 पैसे। बच्चों ये 50 पैसे इसको हम बोलते हैं अठन्नी। ठीक है 50 पैसे। अब यहाँ पे देखो बच्चों 1 रुपीज़ ये है 1 रुपया। 1 रुपये में बच्चों 100 पैसे होते हैं। देखो यहाँ पे बताया है ना। अभी देखो 2 रुपीज़ और ये 5 रुपीज़ और ये 10 रुपीज़। बच्चों हमारे इंडिया में जो कॉइन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। 50 रुपीज़ के कॉइन्स होते हैं, 1 रुपीज़ के होते हैं, 2 रुपीज़ के होते हैं, 5 के होते हैं और 10 के होते हैं। पर अब तो बच्चों 20 के भी कॉइन्स हैं। ठीक है बच्चों यहाँ पे रुपीज़ देखो। ठीक है यहाँ पे देखो बच्चों 1 रुपीज़ ये नोट है बच्चों 1 रुपीज़ का। ठीक है ये देखो 2 रुपीज़ का नोट है और ये 5 रुपीज़ का नोट है। यहाँ पे देखो बच्चों ये 10 रुपीज़ का नोट है। ये पुराना वाला 10 रुपीज़ का नोट है और ये बच्चों नया वाला 10 रुपीज़ का नोट है। ठीक है और ये देखो 20 रुपीज़ का नोट है। ठीक है और ये 50 रुपीज़ का नोट है। ये बच्चों पुराना वाला है और ये देखो नया नोट है ये 50 रुपीज़ का है। और ये देखो 200 रुपीज़ का नोट है। ठीक है और ये है 100 रुपीज़ का नोट, ये 500 रुपीज़ का नोट और ये है बच्चों 2000 रुपीज़ का नोट। ठीक है आपको पता है ना ये हमारे पैसे हैं। आप लोग चीज़ खाते हो ना इन पैसों से। अब बच्चों यहाँ पे देखो बच्चों पेज नंबर 61 पर बच्चों यहाँ पे आपको टाइम टाइम के बारे में बताऊंगी बच्चों आज मैं आपको। ठीक है यहाँ पे देखो लर्न व्हाट टाइम इज इट द लॉन्ग हैंड इज ऑन 12। बच्चों जो लॉन्ग हैंड है यानी राइट हैंड लॉन्ग जो है वो 12। ठीक है द शॉर्ट हैंड इज ऑन 9 वो 9 शो कर रहा है। इट इज 9 o'clock यानी कि कितने बज गए 9 o'clock यानी कि 9 बज गए। ठीक है अब यहाँ देखो वेयर इज द लॉन्ग हैंड इट इज ऑन 12। देखो लॉन्ग हैंड ये है और ये 12। ठीक है देयर इज द शॉर्ट हैंड इट इज ऑन 3 इट इज 3 o'clock। देखो शॉर्ट हैंड 3 पे शो हो रहा है तो कितने बज गए बच्चों 3 o'clock यानी कि 3 बज गए। ठीक है यहाँ पे देखो टाइमिंग हमें फिल करनी है व्हाट टाइम डज ईच क्लॉक क्लॉक शो। ठीक है अब यहाँ पे देखो ये देखो लॉन्ग हैंड 12 पे है और शॉर्ट हैंड किस पे है बच्चों 1 पे। तो यहाँ पे कितने बज गए 1 o'clock। ठीक है अब यहाँ पे देखो बच्चों लॉन्ग हैंड 12 पे है एंड शॉर्ट हैंड किस पे है 7 पे। तो कितने बज गए 7 o'clock। ठीक है अब लॉन्ग हैंड 12 पे है शॉर्ट हैंड 4 पे है तो 4 o'clock। ठीक है अब यहाँ पे देखो लॉन्ग हैंड 12 पे है शॉर्ट हैंड 6 पे है तो कितने बज गए बच्चों 6 o'clock। और यहाँ पे देखो लॉन्ग हैंड 12 पे है और शॉर्ट हैंड 10 पे है तो यहाँ हो गए 10 o'clock। और यहाँ देखो लॉन्ग हैंड 12 पे है शॉर्ट हैंड 2 पे है तो 2 o'clock। अब यहाँ देखो बच्चों लॉन्ग हैंड 12 पे है शॉर्ट हैंड 8 पे है तो कितने बज गए 8 o'clock। ठीक है और यहाँ देखो लॉन्ग हैंड 12 पे है शॉर्ट हैंड 11 पे है तो 11 o'clock। ठीक है अब यहाँ देखो लॉन्ग हैंड 12 पे है शॉर्ट हैंड 5 पे है तो 5 o'clock। ये बच्चों इस तरीके से आपको अपनी बुक फिल करनी है।